अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आज विभिन्न कॉलेजों के पदाधिकारी व एबीवीपी पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा कॉलेज का कांग्रेसीकरण करने पर चिंता जाहिर की है। विद्यार्थियों का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में लगातार कांग्रेस की विचारधारा को थोपा जा रहा है और वहाँ होने वाले कार्यक्रमों में NSUI यूथ कांग्रेस व कांग्रेस के लोगों को शामिल कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों को पदाधिकारी होने के बावजूद भी दरकिनार किया जा रहा है और उनसे किसी भी विषय में जानकारी नहीं दी जा रही, ना ही उनके उठाए मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते महाविद्यालय का वातावरण खराब हो रहा है और ऐसे में कई बार विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए जिला प्रशासन उचित निर्णय लेकर कॉलेज प्राचार्य पर ठोस कार्रवाई करे, जिससे कि कॉलेज का वातावरण सही हो सके और विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी रहे। प्राचार्य के इस रवैये से विद्यार्थी खासे परेशान हैं और इसीलिए सभी ने ठोस कार्रवाई की मांग की है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, युवाओं की छात्र छात्राओं की आवाज को दबाने का जिस प्रकार प्रयास किया जा रहा है, दमनकारी नीति अपनाते हुए कुछ प्राचार्यों के द्वारा कांग्रेस का केवल और केवल एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि एजेंट बनके उस कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको महाविद्यालयों पे थोपा जा रहा है, जिसका आज विद्यार्थी परिषद पूर्णतः विरोध करता है। 2 दिन पूर्व जिस प्रकार का प्रकरण अजमेर के अंदर सामने आया, GC के छात्र संघ अध्यक्ष ने एक जायज मांग को लेते हुए प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देने का प्रयास किया, तो उस ज्ञापन के अंदर जिस प्रकार से उनपे झूठा मुकदमा दर्ज करके वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के प्राचार्य के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया और ये कहा गया कि अब तुम किसी भी प्रकार का कोई ज्ञापन देते हो और विद्यार्थी परिषद के हित में कोई, छात्र छात्राओं के हित में कोई ज्ञापन देते हो तो तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे, जो कि पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम देखें तो इससे पूर्व भी कई बार ऐसा हुआ है कि छात्र संघ अध्यक्ष का नाम अन्य पदाधिकारियों से तुलनात्मक रूप से बढ़ा आता है। ये कोई गलत मांग नहीं थी, बिल्कुल जायज मांग थी। और अब जो प्राचार्य के द्वारा जो भगवा रंग का विरोध किया जाता है, इसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि भगवा रंग केवल हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है या कोई केवल विद्यार्थी परिषद का रंग नहीं है, वो रंग हमारे हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इसका विरोध जिस प्रकार से आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किया और प्राचार्य ने किया, ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी निराशा को दर्शाता है कि जो कि उनका सपना था NSUI का, वहां से छात्र संघ अध्यक्ष बने, वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है और वो इस प्रकार से झूठे मुकदमा दर्ज करा के वो प्रदर्शित करना चाह रहे। आज हम जिसे छात्र छात्र हैं या कलेक्टर साहब से हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब छात्रों मांगों को लेकर हम प्राचार्य साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा के राजकार्य बाधा, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसकी निष्पक्ष जांच को लेकर, CCTV फुटेज के आधार पर इसकी निष्पक्ष जांच को लेकर हम कलेक्टर साहब और SP साहब को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच निष्पक्ष की जाए। मैं GCA का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और मुझे छात्र छात्राओं ने चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि समस्याओं को लेकर मैं कॉलेज प्रशासन में प्राचार्य साहब से मिला, परंतु उन्होंने मेरी मांगों को तो दरकिनार करते हुए हमारे ऊपर सभी पदाधिकारी राजकारी बाधा का केस और झूठा केस लगा दिया, जो उनकी स्पष्ट जो NSUI की इस बार जो कैंपस में NSUI 3 साल बाद भी NSUI नहीं जीत पाई है, तो NSUI प्रशासन के साथ मिलकर जो इस बार ABP जीती है उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है और इनके साथ लगभग हमें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है।